बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम शहरियार है और आप देख रहे हो मेरा चैनल स्टडी विथ विजडम। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को लाजमी दबाएं, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। सो आज का जो हमारा लेक्चर है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। सो फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर गो टू कम्प्लीशन, यानी रिवर्सिबल जो रिएक्शन होते हैं ना, वो कभी भी स्टॉप नहीं होते, वो हमेशा मौजूद रहते हैं, यानी कंटिन्यू रहते हैं, कभी भी स्टॉप नहीं होता। नंबर टू क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। अभी जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान जो हम एरो लगाते हैं ना केमिकल रिएक्शन में, इसको रिवर्सिबल रिएक्शन को डबल एरो में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका सैम्पल ये है, पहला ये कभी भी ख़त्म नहीं होते, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, डबल एरो। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, इन रिवर्सिबल रिएक्शन द रिएक्टेंट्स कैन चेंज टू प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट्स कैन आल्सो चेंज बैक इनटू रिएक्टेंट्स। मतलब कि रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स तो प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, पर प्रोडक्ट्स भी रिएक्टेंट में चेंज होंगे, यानी दोनों होंगे, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में भी होंगे, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में होंगे, यानी इसमें दोनों रिएक्शंस होंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन भी होगा, बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन भी होगा। सो नंबर फोर, इट कैन बी मेड टू प्रोसेस इन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन। यही बात जो मैंने अभी की कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन में भी होगा, बैकवर्ड रिएक्शन में। एग्जांपल देख लो, 2SO2 प्लस O2, तो सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स और एक ऑक्सीजन का, तो ये बना रहे हैं सल्फर ट्राईऑक्साइड, इसे हम बोलते हैं सल्फर ट्राईऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड। यहाँ पे दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड। सो ये दो सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन गैस, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन में 2SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएंगे। और जब ये, अब ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है ना, ये भी सेम बनाएगा, यानी ये कभी भी स्टॉप नहीं होगा रिएक्शन, हमेशा मोशन में होगा। सो डेट इज़ वाई ये रिवर्सिबल रिएक्शन की पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये पांच आपके सामने में लिखी पड़े, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। सो बस आज के टॉपिक यही था, कैरेक्टरिस्टिक्स और रिवर्सिबल रिएक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करेंगे। थैंक यू।